Hello friends, I'm Dr. Pooja Kapoor, Consultant Pediatric Neurologist, Paras Hospital, Gurgaon, Director and Co-Founder, Continua Kids. So today, the session is on role of stem cell therapy in autism spectrum disorder. So why I chose this topic was because I had got a lot of queries, a lot of parents inquiring about that, should we go in for stem cell for our child who has got autism spectrum disorder? Kya karna chahiye? Jana chahiye ki nahi jana chahiye? Kyun jana chahiye? Iske piche ki science kya hai? Cost kya hai? Kaise hota hai ye? Aur kitna percentage chance hai ki jo hai hamara bachcha theek ho jayega usse? Ya nahi koi farak padega? So, because of that, I chose this topic, and in today's thing, I will just discuss all the valid points which are associated with stem cell in autism spectrum disorder. So let's go to the hypothesis ki stem cell aaya hi kyun as a treatment modality. Mana jata hai, ek bahut badi hypothesis di gayi hai. उस हाइपोथेसिस में ये बोला गया कि जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है. सो इन्फ्लेमेशन जो है वो गट में भी हो सकता है, मतलब जीआईटी में भी हो सकता है, और इन्फ्लेमेशन जो है वो मेरा ब्रेन में भी हो सकता है. सो जब जो है ये थ्योरी आई कि जो है इन्फ्लेमेशन होता है जीआईटी में, गट में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, तो जो है वो सारी चीजें जो हम खाते हैं और जो अब्सॉर्ब नहीं होती हैं हेल्दी गट में, वो जो है ट्रांसफर हो जाती हैं लीकी गट में, इन्फ्लेम्ड गट में, और वो जो है चीजें जो नहीं अब्सॉर्ब होनी चाहिए वो ब्रेन में जाती हैं, वहां पे इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं, और जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन का मतलब यहां सूजन है, वो इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं और जिसकी वजह से हमें जो है वो सिम्टम्स आते हैं जो कि ऑटिज्म से मिलते जुलते होते हैं. सो ये एक हाइपोथेसिस है. इसको प्रूफ करने के लिए जब गट की स्टडीज करी गई थी, जब जीआई की स्टडीज करी गई थी, तो उन्होंने बायोप्सी ली वहां की और देखा कि जो है वहां पे सच में बहुत इन्फ्लेम्ड सेल्स हैं. ऐसे ही जो है जब उनको पता कर रहा था कि क्या जो है ये सूजन ब्रेन तक जाती है, तो वहां पर भी जो है जब उसकी बायोप्सी ली गई तो वहां पे देखा गया जो सेल्स बॉडी में हमारे इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं उनका नंबर वहां पे बहुत ज्यादा था. बहुत ज्यादा जो है इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है वो वहां पे प्रेजेंट थे, और खास तौर पे वो वाले हिस्से पे जिसको हम बोलते हैं ब्रेन में टेम्पोरल लोब, अमिगडला, तो ये वाले हिस्से जो है ब्रेन के, ये हमारी मेमोरी, स्पीच, रिकग्निशन ऑफ द फेस, रिकग्निशन ऑफ सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे जो हमारे पार्ट्स ऑफ ब्रेन है ये सारा काम वो करते हैं. और इन्हीं जगहों पे स्टडी किया गया कि वहां पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा थे. ऐसे ही देखा गया कुछ ब्लड स्टडीज में भी कि जो है जो बच्चे जिनको ऑटिज्म था उनके अंदर ब्लड में भी जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स के मार्कर्स हैं वो बहुत ज्यादा थे बनिस्पत उन बच्चों के जिनके जो है जो बच्चे नॉर्मल है. सो ये सारी स्टडीज के बेसिस पे एक हाइपोथेसिस बनाई गई जिसमें बोला गया कि जो है ऑटिज्म वाले बच्चों में इन्फ्लेमेशन ज्यादा होता है, तो अगर हम वो इन्फ्लेमेशन को कम कर दें किसी तरह तो हमारे बच्चे जो है वो नॉर्मल मेन स्ट्रीम में आ जाए. तो इसी को जो है आगे बढ़ाते हुए जीएफसीएफ डाइट आई. जीएफसीएफ डाइट का मतलब हुआ ग्लूटेन फ्री केसीन फ्री डाइट आई. उन्होंने बोला कि ग्लूटेन जो होता है, केसीन जो होता है, वो गट में जाता है और वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है. अगर जो है हम इसको हटा दें अपनी डाइट से तो जो इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा और बच्चा बेहतर हो जाएगा. उसी के लिए ही जो है बहुत सारी ऐसी दवाइयां भी आई जो कि जो है हमारे इन्फ्लेमेशन को, गट के इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए दी गई. और उसी हाइपोथेसिस को बेसिस रखते हुए स्टेम सेल थेरेपी जो है एज अ ट्रीटमेंट मोडालिटी जो है वो इन द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में
चूज करी गई। सो पहली चीज ये बताना चाहूंगी कि अभी तक पूरी तरह से ये प्रूव नहीं हुआ है कि ये हाइपोथेसिस सच है भी कि नहीं है, क्योंकि कुछ स्टडीज में वो बोलते हैं हाँ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, बट जो दूसरे लोग दूसरा जो है ग्रुप ऐसी स्टडी करता है वो कहता है नहीं इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स तो ऐसे कुछ खास नहीं मिले, कि जो है कुछ बायोप्सीज में जो है उन जगहों पे इन्फ्लेमेशन दिखा कुछ पे नहीं दिखा, बट क्योंकि कुछ लोगों में दिखा तो इसको एक हाइपोथेसिस रख के इसी के ऊपर जो है ट्रायल्स शुरू कर दिए गए कि कैसे इन्फ्लेमेशन को कम कर दिया जाए। जिन्होंने ये ट्रायल्स किए उन्होंने भी ये माना कि जो है हो सकता है कि जो है ये एक कारण हो, और जो है क्योंकि ये पक्का पता नहीं है बट लेट अस ट्राई दिस, तो इसलिए जो है स्टेम सेल थेरेपी ट्रायल फेज में आई गई। अब ये स्टेम सेल थेरेपी क्यों ली गई, तो हम जो मानते हैं जो हमारे स्टेम सेल होते हैं, तो स्टेम सेल का मतलब हुआ वो सेल्स जो कि प्लूरीपोटेंट होते हैं, मतलब कि वो जहां पर भी जाएंगे वहां पर जाके जो है अपना जिस जगह पे जो है वो जिस जगह पे जाएंगे, जैसे जो है अगर नर्व में गए तो वहां नर्व बनाने लग जाएंगे, अगर मैंने जो है उसको कहीं लिवर में भेजा तो वो लिवर के सेल्स बनाने लग जाएंगे, अगर ब्रेन की तरफ को भेजा तो वहां ब्रेन के सेल्स बनाने लग जाएंगे, ब्लड में रहे तो वहां ब्लड के सेल्स बनाएंगे। तो बेसिकली प्लूरीपोटेंट का मतलब हुआ वो जहां पे उनको जो है भेज दिया जाए और जहां पे भी ट्रॉमा हो उसके हिसाब से जिस तरह के सेल्स में ट्रॉमा है उस हिसाब से वो सेल्स जो है वो बनाने लगते हैं। और उनकी दूसरी प्रॉपर्टी जो मानी गई यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट थी वो थी कि जो है ये पैराक्राइन फंक्शन होता है इनका, इसका मतलब हुआ कि जो है ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स को जो है वो कम करते हैं, जहां पर भी जाते हैं वहां पे ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स को कम करते हैं। जो पहला फंक्शन था कि ये जाकर जो है वहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, जब जो है हम लोगों ने ऑटिज्म वाले बच्चों की बायोप्सीज करी कुछ ट्रायल्स में तो उन्होंने देखा कि वहां पे जो है वो ब्रेन में स्ट्रक्चरल भी डैमेज था, वहां पे बहुत जगह जो है वो इश्चीमिया था, इश्चीमिया मतलब वहां पे जो है ब्लड ठीक से जा नहीं पा रहा था जिसकी वजह से जो है कुछ टिश्यू डैमेज टू कुछ जो है वो ब्रेन का डैमेज हो रहा था, और जब जो है वो डैमेज हो रहा था तो उसको रिप्लेस करने के लिए जो सेल्स आ रहे थे वो दूसरी तरीके के थे और वो मल्टीप्लाई करके उस एरिया को डैमेज वाले एरिया को जो है वहां पे इन्फ्लेमेशन और कॉज कर रहे थे। सो क्योंकि जो है वो डैमेज को बंद करना था वहां पे ब्लड सप्लाई को अच्छा करना था तो इसलिए जो है अगेन स्टेम सेल को माना गया कि ये जो है अगर हम इन स्टेम सेल्स को ब्रेन के उस हिस्से तक पहुंचा दें जहां पे डैमेज है, जो कि मानते हैं कि हमारा टेम्पोरल लोब या फ्रंटल लोब या अमिगडाला वाला सेक्शन हिप्पोकैम्पस वाला सेक्शन, अगर हम वहां पे उनको पा दें तो वहां पे सेल्स भी मल्टीप्लाई करेंगे, जब सेल्स वहां पे जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे जो टिश्यू को हील होने में हेल्प होगी, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा क्योंकि वहां पे वो वेसल्स का मल्टीप्लीकेशन भी करेंगे, तो इस तरह से हमारी हीलिंग भी हो जाएगी और प्लस जो है हमारा इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाएगा। सो दिस वॉज द बेसिस ऑफ डूइंग स्टेम सेल इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, और यही जो है वो बेसिस है स्टेम सेल का सेरेब्रल पॉलिसी में भी, यही बेसिस है कई ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं हमारे गट में जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज, वहां पर भी स्टेम सेल इसी के लिए जो है यूज करा गया यही हाइपोथेसिस को बेस्ड अप करके। तो अब ट्रायल क्या शुरू हुई, तो कहां से आएंगे ये स्टेम सेल, तो स्टेम सेल को माना गया कि जो है वो स्टेम सेल जब हम लोग अम्लाइकल कॉर्ड को काटते हैं, जब जो है बेबी जो है जो मदर से कनेक्टेड होता है वो अम्लाइकल कॉर्ड से होता है, तो अगर अम्लाइकल कॉर्ड में काटेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा स्टेम सेल्स होते हैं, अच्छी मात्रा में स्टेम सेल होते हैं, तो कई लोग जो है हमारे पेरेंट्स जो है वो स्टेम सेल को अपने प्रिजर्व भी करवाते हैं कि अगर फ्यूचर में कहीं किसी को जरूरत पड़े तो हम वो स्टेम सेल यूज कर लेंगे। सिमिलरली हमारा जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो मतलब जो हड्डी होती है बड़ी वाली हड्डियां उनके बीच में जो मैरो होता है वहां पे भी बहुत ज्यादा स्टेम सेल्स होते हैं और वहां से ही रेगुलर जहां पर भी जो जरूरत होती है वहां पे बन के वो पूरी बॉडी में हमारे निकलते हैं। सो दो ये साइट्स थी जहां पे हमें पता है एज बायोलॉजी की यहाँ पे स्टेम सेल्स होते हैं। सो किस तरह के स्टेम सेल्स चाहिए थे हमें, तो उसमें भी जो है हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं, मेसेनकाइमल स्टेम सेल होते हैं, तो जो हमारा जो जहां से हम ले रहे हैं अम्लाइकल कॉर्ड से ले लें या फिर बोन मैरो से ले लें तो वहां पे भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स होते हैं, और वो स्टेम सेल्स जो होते हैं
वो उनकी खास बात होती है कि जहां पे अगर आप उनको ब्लड में छोड़ दें तो वो जहां पे भी ट्रॉमा हुआ है वहां पे चले जाएंगे और वहां पे जाके वो मल्टीप्लीकेशन करने लग जाएंगे। अगेन इनकी खास बात ये होती थी कि ये जाके वहां पे ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई करके वहां पर ट्यूमर बना देंगे कि जो है भाई आप वहां पे गए वहां ट्रॉमा था, इनको ये भी पता होता है कि कब रुकना है, कब जो है कितना मल्टीप्लीकेशन करना है हमें, और ऐसा नहीं है कि वहां पे जाने के बाद ही खूब ज्यादा सेल्स मल्टीप्लाई करते ही जाएं, रोकथाम ही ना हो और वो कैंसरस सेल बन जाएं, ट्यूमर सेल्स बन जाएं, ऐसा नहीं था। और वहां पे जाके ही अपना पैराक्राइन फंक्शंस जो है शो करते हैं। सो अगर ये सारी चीजें इतनी फिट हो रही हैं, ये सब कुछ इतना बढ़िया हो रहा है, जैसा मैंने बताया ये तो लग रहा है कि बस हमने ऑटिज्म का उपचार ढूंढ ही लिया, बस और कुछ बचा ही नहीं है। बट जब ये हमने इसको, ये तो थ्योरेटिकल है बहुत, ये जो मैंने आपको बताया ऐसा बहुत थ्योरी में बहुत कुछ अच्छा लगा, इसी के बेसिस पे फेज वन ट्रायल हुए और अभी जो है हम फेज टू ट्रायल्स में भी जा रहे हैं, कई लोग कर रहे हैं। एनिमल्स ट्रायल्स हुए, एनिमल ट्रायल में भी अगेन उन्होंने देखा कि उन जो है उन्होंने माइस में जो है जिसमें डाला वो जो है काफी जो है उनके अंदर बिहेवियरल कंसर्न्स कम हुए, उनकी सोशलाइजिंग बढ़ी। बट नाउ कम्स द रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स। So whatever which appeared out to be so great, so theoretically so fine, and we really found out ki ab to humne autism pe vijay pa li hai aur humne kar liya, it did not happen in that way in human beings. So jo kuch trials hui unme kai trials mein ye aise koi result nahi aaye, kuch bhi jo hai jo humne socha tha waisa nahi hua. अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से ट्रायल किया। कुछ लोगों ने ट्रायल किया वो स्टेम सेल अम्लाइकल कॉर्ड से लेके मोनोन्यूक्लियर सेल्स होते हैं उनका ट्रायल किया कि वो उन्होंने डाल दिया। कुछ लोगों ने जो है वो बोन मैरो से जो है सेल्स निकाले। कुछ लोगों ने कुछ नंबर दिया, कुछ लोगों ने क्वांटिटी इतनी दी, कुछ लोगों ने क्वांटिटी बहुत कम दी, कुछ लोगों के मल्टीप्लीकेशन फैक्टर्स जो सेल्स के डालने के थे बॉडी के अंदर वो बहुत ही अलग अलग वेरिएड थे। कुछ लोगों ने उसको जो है वो ब्लड में डाल के थ्रू जो है डाल दिया, स्टेम सेल लिया और जो है वो ब्लड में डाल दिया। कुछ लोगों ने उसको जो ट्रायल्स में वो बोन मैरो में डाल दिया, इंट्राथीकल डाला, पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर जो है हमने हड्डी के अंदर डाल दिया, वो ट्रायल किए। कुछ लोगों ने बोला कि जो है अगर हम इसको जो है सबक्यूटेनियस देते हैं। सो बहुत सारे ट्रायल्स चले और सबका जो है जो मीडियम था डालने का वो बहुत ही अलग था। कई लोगों ने एलोजेनिक ट्रांसप्लांट किया। एलोजेनिक का मतलब हुआ किसी और से लेके स्टेम सेल और दूसरे की बॉडी में डाला, ऑटिज्म वाले बच्चे में डाला। कुछ लोगों ने बोला नहीं हम जो है अपना ऑटोलोगस ही करेंगे, मतलब हमने जो है अपनी बॉडी से ही निकालना है और जो है अपनी ही बॉडी में डालना है, उसी बॉडी में डालना है। सो जो है डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट ट्रायल्स किए। कुछ लोगों ने जो है जो डाला उसके बाद इंटेंसिव ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ABA, स्पीच थेरेपी, फिजिकल थेरेपी इंटेंसिव दी और फिर बोला 6 महीने के बाद हम टेस्ट करेंगे। वो जो है जो टेस्ट थे वो भी स्टैंडर्डाइज नहीं थे। कुछ लोगों ने कुछ टेस्ट यूज करे, कुछ लोगों ने कुछ टेस्ट यूज करे। सो यू नो ऑल द ट्रायल्स वर नॉट स्टैंडर्डाइज्ड। जैसे हमें पता है आज कि अगर मेरे को बच्चे को मलेरिया है तो मुझे जो है क्लोरोक्वीन इतने मिलीग्राम पर केजी की डोज पे दिन में 2 बार देकर 5 दिन के लिए देना है और फिर ये मुझे रिजल्ट आएगा। अगर जो है मेरे को कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है तो मैं इसको जो है ये डोज इतनी दवाई इतनी डोज में जो है देकर इतने दिन देकर ये ठीक हो जाएगा। बट ओवर हेयर इट इज स्टिल अ लॉट एंड अ लॉट ऑफ क्योस। क्योस इन द सेंस ऑफ कहाँ देना है, कितने सेल्स देने हैं, कौन से सेल्स देने हैं, किसके देने हैं, और प्लस जो है जब उसके बाद जो है जब हम उसको देखेंगे कि हाँ हमने जो है ये दिया, उसके बाद हमने जो उसको एनालाइज किया, उस एनालाइज में हमारा क्या निकला, क्या हमारे मापदंड थे, क्या हमारा क्राइटेरिया था ठीक होने का। कई बार 6 महीने से जो है बच्चे को थेरेपी मिलेगी तो वो वैसे भी काफी बेटर हो जाएगा। सो वी नेवर न्यू अबाउट इट कि ये उससे ठीक हुआ, किससे ठीक हुआ। और अच्छा, कोई भी ऐसी स्टडी अभी तक नहीं हुई है जो उन्होंने जो है कुछ बच्चों को स्टेम सेल बगैर बताया दिया और कुछ बच्चों को जो है प्लेसिबो दिया और फिर कंट्रोल देखा गया। मतलब हमें ये पता है कि इन बच्चों को जो है हमने स्टेम सेल दिया है तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है कि हाँ हमने एक इतनी बढ़िया थेरेपी दी है बच्चे को, तो ये पेशेंट्स जो है मदर्स बोलती हैं हाँ ठीक हो गया है, थोड़ा सा पहले से तो बेहतर लग रहा है। तो देयर वाज नॉट अ
ग्रेट क्राइटेरिया बेस्ड ऑन कि हम जो है जज कर पाए कि ये जो है सच में हमारे स्टेम सेल की वजह से ही हुआ ये सब कुछ, या फिर जो है ये कुछ और था, कुछ और चीज की वजह से ये हो गया, और जो है उसके आगे कितने समय के बाद जो है ठीक होना है, हम कब जो है टेस्टिंग करें, क्या टेस्टिंग करें, नहीं पता। ऐसे ही जो एक जो टेस्ट आया जो जो है कई लोग करते हैं जो स्टेम सेल में, वो ये करते हैं क्योंकि एक हाइपोथेसिस थी उसके अंदर उन्होंने बोला था कि जो है वहां पे जो है जब जो है ऑटिज्म वाले बच्चों में जो टेम्पोरल लोब वाला हिस्सा है वहां पर जो है टिश्यू डैमेज होता है, ब्रेन के सेल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं, तो इसलिए जो है वहां पे इश्चीमिया दिखता है, वहां पे जो है थोड़ा खून की कमी दिखती है। तो कई लोगों ने पेट स्कैन किए वहां के, पेट स्कैन जो है एक तरह का स्कैन होता है, जैसे एक एमआरआई स्कैन होता है वो ब्रेन का स्ट्रक्चर पता करता है, ऐसे ही जो है वो जो ब्रेन का मेटाबॉलिक चीज जो है वो पता करने के लिए हम लोग पेट स्कैन करते हैं। कई बार जो है हम लोग वो कैंसर्स जो जिन लोगों को कैंसर होता है कहाँ पर कैंसर का टिश्यू है वो पेट बॉडी स्कैन करते हैं, वही पेट स्कैन जो है वो हमने ब्रेन का किया और देखा कुछ स्टडीज में कि जो है एक जो है FDG करके एक केमिकल होता है कि उसका अपटेक वहां पर जो है जब जो है हमने स्टेम सेल नहीं किया था तो वहां पे अपटेक नहीं था, और जो है जब हमने स्टेम सेल कर दिया तो उसके बाद जो है वहां पे FDG स्कैन का जो है जब हमने स्कैन किया पेट स्कैन किया वहां पे FDG का अपटेक जो है वो बहुत ज्यादा था। तो जो है जब जो है हमने ये देखा कि ये डिफरेंसेस हैं, इससे भी कई लोग ने इन्फ्रेंस लगाया कि देखो क्योंकि अपटेक जो है वो बढ़ गया है, तो जो है क्योंकि ये बढ़ गया है तो वहां पे इसका मतलब कि जो है वहां पे सेल्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ग्रोथ हो रही होगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, जिसकी वजह से ऐसा है। बट अगेन दिस इज अगेन हाइपोथेटिकल, द स्टडीज आर स्टिल नॉट प्रूवन। कई जगह जो है वो FDG जो पेट स्कैन था वो बहुत बढ़िया हुआ, कई जगह नहीं हुआ। सो वी आर स्टिल इन अ डायलेमा वेदर वी शुड डू दिस स्कैन और नॉट, वेदर जो है ये हमें सच में बता पाता है कि क्या ये अकेला क्राइटेरिया है जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ ये स्टेम सेल की वजह से ऐसा हुआ है, या फिर ये टेस्ट वाजिब भी है, ये हमें करना भी चाहिए कि नहीं। कि जैसे अगर मैं मलेरिया के टेस्ट में टाइफाइड का, मलेरिया की डायग्नोसिस में टाइफाइड का टेस्ट करूं तो ऑब्वियसली वो पिकअप नहीं करेगा। सो वी डोंट नो विच टेस्ट हैज टू बी अप्लाइड डेफिनेटली टू गेट द आउटकम टू फाइंड आउट कि हाँ ये हमारी जो है हीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। थ्योरेटिकली ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, अगर थ्योरेटिकली ये सारी चीजें अच्छी होती तो आज जो है हम ऑटो इम्यून डिजीज का हल निकाल लेते, आज हमारे पूरे वर्ल्ड में सेरेब्रल पॉल्सी होती ही नहीं। सेरेब्रल पॉल्सी में तो प्रोवन स्ट्रक्चरल जो है वो दिखता है कि हाँ यहाँ पे हाइपोक्सिया हुआ, इश्चीमिया हुआ, ब्लड्स जो है वहां पे नहीं गया, और जो है उसकी वजह से ब्रेन में जो है कमी आ गई जिसकी वजह से एक हाथ और पांव हिलना बंद हो गया। तो जो है वहां पे तो जो है जैसे ही हम स्टेम सेल डालेंगे तो फिर तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आना चाहिए, हाथ पांव हिलने लग जाना चाहिए, क्योंकि जो है इसकी हाइपोथेसिस है कि वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है वहां का। तो बट स्टिल वी आर नोवेयर नियर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्टेम सेल टिल डेट। आज की डेट में बहुत रिसर्च चल रही है, स्टेम सेल इज द ब्रिमिंग थिंग, एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट स्टेम सेल, और इसीलिए जो है कुछ कंट्रीज में ये फ्रीली अवेलेबल भी है, जैसे हमारी कंट्री इंडिया में जो है ये फ्रीली अवेलेबल है। आपको अगर स्टेम सेल कराना है एवरी कॉर्नर यू विल फाइंड सेंटर्स जहां पे स्टेम सेल हो रहा होगा, ऑटिज्म के लिए भी, सेरेब्रल पॉल्सी के लिए भी। बट द थिंग इज इट स्टिल नॉट वेरीफाइड, इट स्टिल इन द ट्रायल स्टेज, इट थियोरेटिकली इट अपीयर्स आउट टू बी सो गुड बट प्रैक्टिकली इट इज स्टिल टू बी वेरीफाइड। अ लॉट ऑफ कंट्रीज में जो है वहां पे ये सारा जो है वो बहुत काम फ्री होता है, बट कुछ जगह जो है वहां पे अभी भी जो है उन्होंने बैन कर रखा है कि नहीं, इन इन डिजीजेस के लिए स्टेम सेल अभी जो है बाहर मार्केट में नहीं मिलेगा, नहीं होगा। सो द थिंग इज अंटिल एंड अनलेस यू हैव अ फर्म प्रूफ ऑफ द थिंग कि हाँ ये स्टेम सेल जो है ये काम करेगा ही करेगा, इट इज समथिंग लाइक वी आर डूइंग इट फॉर कोरोना वायरस। कल हम बोलते हैं कि आइवरमेक्टिन अच्छा है, आज हम बोल रहे हैं आइवरमेक्टिन नहीं अच्छा है, कल हम बोल रहे हैं कि जो है DG बहुत अच्छा है, आज हम बोलेंगे पता नहीं हमें,
कल को जो है ऑक्सी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन बहुत अच्छी थी, आज वो आउटडेटेड हो गई है, कल प्लाज्मा थेरेपी बहुत अच्छा था, आज आउटडेटेड हो गया. सो द थिंग इज लाइक वी आर स्टिल इन अ मूविंग फेज. जैसे कि हम उसमें मूव कर रहे हैं वैसे हम आज भी स्टेम सेल में मूव कर रहे हैं, ट्रायल फेज में मूव कर रहे हैं. सो मेरा पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, अगर आपको कराना है यू वांट टू गेट इट अ ट्रायल फेज देन इट्स ओके, बट इफ यू आर गोइंग इन फॉर कंफर्मेटरी थिंग दिस इज स्टिल इन द ट्रायल फेज, नो स्टडीज, नो रिजल्ट्स, नो रिकमेंडेशन बाय द हाईएस्ट अथॉरिटेटिव बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड, बी इट अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, बी इट इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, उन्होंने कहीं पर भी इसका जिक्र भी नहीं किया है अभी, बिकॉज ये अभी बहुत ही इंसिपिएंट स्टेज पर है, ये बहुत 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 अभी नेसेंट स्टेज पर है. सिर्फ थ्योरेटिकली जो है सारी पॉसिबिलिटीज हैं, प्रैक्टिकली वी स्टिल डोंट नो एनीथिंग अबाउट एनीथिंग. सो दिस इज ऑल द ऑल टेक होम मैसेज विच आई हैव, एंड आई विल लुक इनटू कि जो है क्या कोई क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर बेस्ड, देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू आंसर दैट. लेट्स गो टू द कॉमेंट सेक्शन. ओके सो लेट्स स्टार्ट. सो दिव्याम सिंगला, मार्कस लाइक सीआरपी, यस. सो देखिए सीआरपी आजकल हमें अब सबको पता हो गया है, जब से कोरोना आया है हर कोई सीआरपी करा रहा है कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर होता है ये. सो जो है इन्फ्लेमेटरी मार्कर जो है जब हमें पता चलता है, जैसे हमें पता है कि आजकल कोरोना में सीआरपी, इंटरल्यूकिन 6, केराटिन, सारे को ये सारी चीजें पता है, ये सब लोग करा लेते हैं अपने आप, ब्लड टेस्ट जाके करा लेते हैं कि हाँ ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, देखते हैं हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है कि नहीं है. बट द थिंग इज दिस जस्ट टेल अस कि जो है इन्फ्लेमेशन बॉडी में है, किस हिस्से में है, कहाँ है, कैसे है, ये नहीं पता है. तो अगर कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन हो रहा होगा तो जो है वो मार्कर बढ़ेगा, बट द इन्फ्लेमेशन एट द GI एंड द इन्फ्लेमेशन विच आई एम टॉकिंग अबाउट एट द ब्रेन, सीआरपी इज अनएबल टू पिक इट अप. अगर ऐसा होता तो फिर तो जो है हम हर जो है ऑटिज्म वाले बच्चे का जो है फटाफट करा लेते. जो मैंने इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बोले हैं कराने के लिए वो सीआरपी जैसे सिंपल नहीं है, दोज आर वेरी वेरी हाईली वेरीफाइड. जो हमारे जो सेल्स होते हैं, हमारे जो बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, जो हमारा जो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, जिसको हम टी सेल्स बोलते हैं, उन टी सेल्स में भी एक लीनिएज होता है, एक सेल लाइन होती है, वो उसको टेस्ट करते हैं. साइटोकाइंस जो होते हैं उनको टेस्ट करते हैं, वो बहुत ही जो है हाई लेवल ऑफ, बहुत ही माइन्यूट लेवल ऑफ सेल्स होते हैं. सीआरपी तो इज अ बिगेस्ट लेवल ऑफ बिगर मार्कर, जो हल्का फुल्का इन्फ्लेमेशन, जो इन्फ्लेमेशन का मार्कर बताता है. एंड इट इज नॉट इंक्रीज्ड इन ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, नीदर इट इज इंक्रीज्ड इन एनी सेरेब्रल पॉल्सी किड. सो ये वाले मार्कर जो है, वो वाले मार्कर जिनको मैंने अभी बताया इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, वो बहुत अलग मार्कर्स है. एंड अगेन दे आर स्टिल इन द नेसेंट स्टेज, स्टडीज करी गई हैं खाली, कि जो है अगर हम जो है टी सेल्स में ये वाले मार्कर्स देखे हमने, ये बढ़े हुए थे, और कुछ ऑटिज्म वाले बच्चों में वो भी नहीं बढ़े थे. तो अगेन देयर इज अ डायलेमा लाइक स्टेट. ओके सो डेफिनेटली सीआरपी इज नॉट अ मार्कर टू टेस्ट फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, टू लुक फॉर इन्फ्लेमेशन इन द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम. सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ स्टेम सेल थेरेपी फॉर ऑटिज्म? सो इट्स लाइक I exactly don't know because, but yes, मुझे इतना पता है it cost a few lakhs. कि कुछ sessions होते हैं, regular sessions होते हैं, और उस regular sessions का जो total approximately cost होता है, it cost in few lakhs, not in thousand, in few lakhs. I cannot quote you the exact figure because बहुत सारे centers जो हैं वो अलग अलग charges पे करते हैं इंडिया में. वसीम मिर्जा, nice explanation. Thank you, sir. Hope it. I want to make all my presentation in a very explanatory form so that you understand the concept. ताकि आपको फर्क पता चल पाए कि क्या पे जो है हमें अपना टाइम, मनी, एनर्जी अपने अपनी और अपने बच्चे की लगानी है, और क्या चीजें जो है वो भी हम इग्नोर कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं. देखिए एज अ पेरेंट जो है आप बोलेंगे कि जो है एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे आपने इतना अच्छा थ्योरेटिकल नॉलेज बताया, क्या पता जो है ये ठीक हो जाए हमारा बच्चा. बट आई थिंक अभी तक कुछ नहीं है ऐसा,
तो जब एक्सपेरिमेंटल स्टेज से जैसे ही आएगा, आई एम टेलिंग यू, आई एम क्वाइट होपफुल कि कुछ ना कुछ आएगा, बट जब तक नहीं आता है हमें अभी नहीं पता है. ओके, सो साक्षी शर्मा, इज स्टेम सेल थेरेपी परमानेंट? परमानेंट का मतलब ये हुआ कि हाँ, हमने वो स्टेम सेल डाल दिए बॉडी में और वो वहां जाके मल्टीप्लाई करेंगे, उसका इंपैक्ट आता है कि नहीं वो हमें नहीं पता, बट हाँ डाल दिया तो इट्स लाइक अ परमानेंट थिंग. मिस्टर नावेद हैज आस्क्ड, व्हाट इज द सक्सेस रेट ऑफ स्टेम सेल इंजेक्शन? एज आई टोल्ड यू, वी स्टिल आर नोवेयर टू टेल यू कि कितना परसेंटेज बच्चों में जो है, क्योंकि जितने भी अभी जो है फेस वन ट्रायल खत्म होके स्टार्ट हो रहा है दूसरा, अभी एनिमल मॉडल में हो रहा है, सो वी स्टिल डोंट नो कि ये काम करेगा भी कि नहीं काम करेगा. वी आर स्टिल देयर, अभी हम बहुत नेसेंट इंसिपिएंट स्टेज पर हैं. अगर ऐसा कुछ, देखिए अगर ऐसा कुछ होता तो अभी तक जो है फिर हमारा अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, डेवलपमेंटल चैप्टर्स, ये सब कुछ इंक्लूड कर देते हैं हम लोग इन रिकमेंडेशन को. सो क्योंकि ये बहुत ही नेसेंट स्टेज पर है और क्योंकि पेरेंट्स पूछते हैं, बिकॉज आजकल जगह जगह इंडिया में ये हो रहा है, तो इसलिए दैट्स व्हाई आई टुक दिस ट्यूटोरियल, टुक दिस डिस्कशन, ताकि सबको पता चल जाए कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की साइंस क्या है. अभी अगर हम सक्सेस रेट के, अभी तो हमें पता भी नहीं है कि ये सच में काम करेगी कि नहीं, तो दैट्स व्हाई वी डोंट नो द सक्सेस रेट राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो आई थिंक आई मिस्ड इट, कहां गए हम? या Are there any negative effect of stem cell therapy? So negative effect में रुचा ये है कि जो है आप एक किसी का, अगर आप अपना डाल रहे हैं तो ठीक है, मगर आप किसी और का जो है स्टेम सेल डाल रहे हैं तो कई बार ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिजेक्शन होता है. इसका मतलब ये हुआ जैसे हम किसी की किडनी अपने में डाल लेते हैं, किसी की कॉर्निया डाल लेते हैं किसी का, तो ऐसे ही स्टेम सेल भी जो एक तरह की फॉरेन बॉडी है, उसको आप अपना, किसी और का अपने अंदर डाल रहे हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि जो है वो स्टेम सेल का रिजेक्शन हो सकता है. हालांकि जो स्टडीज हुई हैं वो ये बोलते हैं कि हम बहुत हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड दे के तब जो है ये करते हैं. जो लोग जो है जो अपनी बॉडी का ही स्टेम सेल निकाल के अपनी बॉडी में ही डाल रहे हैं, वो भी बहुत हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड देते हैं ताकि जो है अगर कोई रिएक्शंस होना हो तो वो कम हो जाए या ना हो. सो ऑब्वियसली देयर इज अ हाई चांस कि जो है रिएक्शंस हो सकते हैं, अब क्योंकि जो है आप अपना स्टेम सेल भी अगर निकाल के दूसरों का तो डाल रहे हैं, वो तो डेफिनेटली वुड कॉज सम और द अदर साइड इफेक्ट, बट अगर अपना भी डाल रहे हैं तो कुछ रिएक्शंस तो हो ही सकते हैं डेफिनेटली, विच इज कॉल्ड एज एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस, क्योंकि वो आप स्टेम सेल जो है वो आप अपना बोन मैरो में डाल रहे हैं, इट्स डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स विच यू आर पुटिंग, सो देयर आर ऑब्वियसली चांसेस कि जो है एनाफाइलैक्सिस मतलब रिएक्शंस हो जाए बॉडी के, क्योंकि वो परसीव करे कि ये डिफरेंट सेल्स मेरी बॉडी में क्यों डाले जा रहे हैं. सो दैट्स द थिंग विच वी हैव, एंड ऑल्सो इन सम कंट्रीज देयर आर एथिकल इश्यूज ऑल्सो, क्योंकि जो है ये स्टेम सेल से जो है बहुत सारी क्लोनिंग करी जाती है. अभी बहुत कुछ स्टडी मटेरियल चल रहा है तो एथिकल इश्यूज भी होते हैं जो कि जो है वो आपको है कि पहले आपको उससे क्लियरिटी चाहिए होती है तभी आप स्टेम सेल डाल सकते हैं. सो डेफिनेटली दोज आर द टू क्राइटेरिया जो कि स्टेम सेल के अगेंस्ट जाते हैं. सो मिस्टर जहीर अब्बास, थैंक यू सो मच, होपफुली यू लाइक द लेस सेशन. फरमान, गुड इवनिंग मैम, हाय, गुड इवनिंग. दिव्यम सिंगला, एनी साइड इफेक्ट इफ वी गेट दिस डन? या आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो है जब भी स्टेम सेल लोग करते हैं तो बहुत हाई डोज ऑफ स्टीरोइड देते हैं, बिकॉज एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस हो सकते हैं और एथिकल इश्यूज हो सकते हैं. डज दिस हैपन इन इंडिया? ओ यस, बहुत सारी जगह होता है ये. रिमी भट्ट, पीपल टॉक अ लॉट अबाउट पनामा स्टेम सेल. यस, so these are all the same things. Mr. Sheesh has called, any role of stem cell in global developmental delay? So जो स्टेम सेल कर रहे हैं वो तो ये बोल रहे हैं कि हम इससे सेरेब्रल पॉल्सी भी ठीक कर देंगे, हम कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज भी ठीक कर देंगे, हम ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले भी ठीक कर देंगे, हम ऑटिज्म भी ठीक कर देंगे, बट ऐसी कोई जादू की चीज नहीं है ना जो एक ही चीज जो है वो सारी बीमारियों का रामबाण हो. तो आई एम नॉट अ वेरी फर्म बिलीवर अंटिल एंड अनलेस द साइंस प्रूव्स इट. तब तक जो है मैं रिकमेंड करूंगी कि जो मैंने थ्योरिटिकल आपको बहुत अच्छे से बताया है वो सिर्फ थ्योरी है अभी. ऐसे तो थ्योरिटिकल जो है जो जीएफसीएफ वाले डाइट वाले भी हैं उनका भी यही थ्योरी है. ऐसे ही कैमल
कैमल मिल्क के लिए भी बहुत डिस्कशंस होते हैं कि वो हाइपो एलर्जिक है और वो एंटी इंफ्लेमेटरी है, तो बहुत सारे लोग उसको करते हैं फॉलो. द थिंग इज लाइक हम किस हद तक जो है अपने बच्चे पे कितना ट्रायल करेंगे, आई लीव इट अप टू यू. आई थिंक वी ऑल हैव गॉट द ब्रेन्स. मेरा काम यहाँ पे आपको बताना है जितनी नॉलेज मेरे को है, जो मुझे पता है, जो साइंस बोलती है, जो हम देखते हैं, जो हम कर रहे हैं, उसका आपको नॉलेज देना. द डिसीजन टू डू और नॉट टू डू रेस्ट विद द पेरेंट्स, नॉट विद अस. वी जस्ट हैव टू टेल यू दिस, दीज आर द प्रोज एंड दीज आर द कॉन्स ऑफ डूइंग इट. नेक्स्ट इज टू यू. सो एनी रोल ऑफ ग्लोबल अभी तक जो है, जो जो कर रहे हैं लोग वो तो बहुत कुछ बोलते हैं, बट मैंने अभी स्टडीज नहीं देखी हैं. एनी टेस्ट वी शुड कंडक्ट टू सी इफ ब्रेन सेल्स आर डैमेज्ड. तो जो है अगर मोटे तौर पे ब्रेन सेल डैमेज्ड होते हैं वो हमें जो है MRI ब्रेन पे दिख जाते हैं. MRI ब्रेन जब जो है हम करते हैं तो हमें जो सेरेब्रल पॉल्सी वाले बच्चे होते हैं जिनको जो है बर्थ के समय एस्फिक्सिया हो गया, जिनकी ऑक्सीजन नहीं गई दिमाग पे, उनको MRI में क्लियर कट हमें दिखता है कि देखिए यहाँ पे डैमेज है. यस, वी कुड सी ऑन एन MRI ब्रेन. बट जो स्टडीज MRI ब्रेन ऑफ द ऑटिस्टिक चिल्ड्रन करी गई है उनके अंदर जो है, इनफैक्ट दे हैव फाउंड आउट कि जो है MRI स्टडीज में वो बल्कि हैं. जो बड़े छोटे बच्चों पे जो स्टडीज करी गई उन्होंने देखा कि इन बच्चों के तो ब्रेन बहुत बड़े बड़े हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल चिल्ड्रन. कुछ स्टडीज में उन्होंने पाया वो सच में बहुत बड़े बड़े ब्रेन थे. तो यहाँ पे आके जो है अगेन जो है जो बात की स्टडी है कि जो है उसमें हाइपोक्सिया हो जाता है वो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करती है आपस में. तो जो हाइपोक्सिया वाली स्टडीज करी गई वो बड़े बच्चों में करी गई. जो छोटे बच्चों में 3 साल के बच्चों में जो है जो स्टडी करी गई MRI ब्रेन पे, जो वॉल्यूमेट्रिक स्टडी करी गई है, जो अभी तक रिजल्ट निकल रहा है, वो ये बोलता है कि इन बच्चों के सेल्स तो बहुत बड़े होते हैं, ब्रेन बहुत बड़े होते हैं, इनका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है. बाद में जाके जो है, क्योंकि ये जो बाद वाली जो स्टडीज हुई जिन्होंने बताया कि हाइपोक्सिया है, वो उन्होंने ब्रेन बायोप्सी से करी. ब्रेन बायोप्सी उनकी करी गई जो बड़े होके जिनकी डेथ हुई, उनको उनमें कई बच्चों को ऑटिज्म था, तब उनकी बायोप्सी में ये पता चला गया. सो द थिंग इज लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी इन ऑल द थ्योरीज इन वट एवर दे आर स्टेइंग अगेन फॉर द स्टेम सेल. की जो थ्योरीज है वो खुद ही बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, प्रोवन नहीं है. बट मेरे को ये आपको बताना था कि इसके पीछे के लिए जो लोग करा रहे हैं ये साइंस ये रखते हैं, और ये साइंस इटसेल्फ इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल राइट नाउ. कुछ भी अभी प्रोवन नहीं है. एनी टेस्ट. सो जो है अगर जो है अगर आपको बहुत बड़ा बड़ा देखना है, अगर जो है MRI ब्रेन इज द मोडालिटी टू टेस्ट कि ब्रेन सेल डैमेज हुए हैं कि नहीं है, अगेन इंटरल्यूकिन 6 लेवल्स, एनी रिलेशन टू ऑटिज्म, अगेन आई एम टेलिंग यू बिकॉज ये कोरोना आया है और सबको इंटरल्यूकिन 6 और फेरिटिन और CRP सब कुछ पता चल गया है. नो, इंटरल्यूकिन 6 हैज नथिंग. वी आर नॉट डूइंग रूटीन इंटरल्यूकिन स्टडीज टू फाइंड आउट ऑटिज्म. Please don't do in your children. This is the inflammatory markers which are done only for the finding out ki jo hai corona se jo inflammatory wo hai uski wajah se jo hai ye inflammation wahan pe pata chalta hai. It's a sign of acute inflammatory thing. Acute ka matlab hai abhi chot lagi hai, abhi CRP bada hoga. Autism ko to hue bahut saal ho gaye. Aaj 3 saal ka mera bachcha hai, agar main usme CRP karaungi to ye sare acute phase reactants hote hain. जितना भी इंटरल्यूकिन 6 है, फेरिटिन है, आपको कोरोना ठीक होता है वैसे ही आपका इंटरल्यूकिन ठीक हो रहा है, फेरिटिन ठीक हो रहा है, CRP ठीक हो रहा है, तो फिर तो अक्यूट फेज हुआ. और जो है ऑटिज्म तो क्रॉनिक मान रहे हैं, तो क्रॉनिक वाली स्टडीज में CRP, इंटरल्यूकिन 6, फेरिटिन ये सारी चीज नहीं आएंगी काम. प्लीज फाइंड आउट द डिफरेंस, प्लीज नो द डिफरेंस बिफोर डूइंग एनी टेस्टिंग इन योर चाइल्ड. सो जय गुप्ता इज आस्किंग, मैडम इन मुंबई इट्स अवेलेबल ऑल ओवर इंडिया. You can find anywhere. What are the blood tests which can give a lead? I wish I could tell you which would be the blood test. We are still in a very, very, very incipient stage. हमें जो है अभी नहीं पता है. पहले तो हमें यही नहीं पता है कि जो थ्योरी हमने पुट फॉरवर्ड करी है इसका कोई सेंस है कि नहीं है. जब सेंस ही नहीं हमें पता, तो हम जो है ये जो टेस्टिंग हो रही है, जो मैंने आपको बताया इन्फ्लेमेटरी मार्कर की, ये बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे हो रही है. वो लोकल जो है लैब्स में अवेलेबल भी नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ. सो अगेन दिस इज लाइक एक्सपेरिमेंटल, इट इज स्टिल इन द एक्सपेरिमेंटल स्टेज. हाउ टू डील विद इट मीन्स हाउ टू डील विद वॉट रिमी ऑटिज्म. सो आई थिंक आई नीड मोर क्लैरिफिकेशन ऑन दिस क्वेश्चन टू नो कि जो है वॉट रिमी वॉन्ट्स टू आस्क.
आई थिंक दैट्स मच और क्वेश्चंस नहीं है. आई जस्ट चेक अपॉन की फ्रिमी वॉन्ट्स टू आस्क मोर और एल्स वी विल एंड अप विद दिस सेशन. Okay, so let's do this. The take home message is that stem cell, howsoever it's beautiful it appears, howsoever charismatic it appears for our children, it is still not the thing to be done, in still in the experimental stage. We should not do it right now. We still don't know what the markers are. ये जो अभी markers हम देख रहे हैं ये acute phase reactant markers हैं, ये acute injury में बढ़ते हैं. ये ऑटिज्म के जो मैंने बताया इंफॉर्मेशन से कोई इनका लेना देना नहीं है. सो प्लीज डोंट डू दैट. कल को ये नहीं हो कि आप सब लोग जाके अपने बच्चों का इंटरल्यूकिन 6 और सीआरपी करा रहे हैं. वो तो जो है अक्यूट फेज रिएक्टेंट है, प्लीज वो मत कराइएगा जाके. आई थिंक आई गॉट वन मोर क्वेश्चन. जेनेटिक टेस्टिंग योर थॉट्स. तो अगर हम जो है 2020 गाइडलाइंस फ्रॉम अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स पे जाएंगे तो यस दे हैव गिवन डाउन 3 जेनेटिक टेस्ट विच आर अवेलेबल विच शुड बी डन बेस्ड ऑन केस टू केस क्राइटेरिया. नंबर 1 इज फ्रजाइल एक्स जेनेटिक्स, नंबर 2 इज सीजीएच आरए जेनेटिक्स, नंबर 3 इज जेनेटिक सीक्वेंसिंग. सो जो है ये हर बच्चे में मगर नहीं करनी है. हालांकि फ्रजाइल एक्स का उन्होंने क्राइटेरिया दिया है कि हर बच्चे में करना चाहिए बिकॉज खासतौर पे बॉयज जिनके अंदर थोड़ा सा जो है इंटेलेक्ट का भी प्रॉब्लम है और ऑटिज्म के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, एडीएचडी के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, उनके अंदर डेफिनेटली जो है वो बोलते हैं कि हर बच्चे में करना चाहिए. और जो है रेस्ट ऑफ द 2 जेनेटिक स्टडीज जिसको सीजीएच आरए और प्लस जो है जेनेटिक सीक्वेंसिंग बोलते हैं वो जो है हर बच्चे में नहीं करनी है, वो केस टू केस डिफाइन होके करनी है और उनके क्राइटेरियाज अलग है. सम अदर डे आई विल टेक दिस सेशन ऑन कि किस बच्चे में कौन सी जेनेटिक टेस्टिंग करनी चाहिए. ऑल्दो आई थिंक आई हैव अ स्मॉल वीडियो ऑल्सो, यू कैन जस्ट वॉच दैट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई डॉटर इज 11 ईयर ओल्ड एंड शी कांट स्पीक, इज इट यूजफुल फॉर हर वॉट स्टेम सेल. I'm not. I think I've made it very much clear through this deliberation that no, stem cell is not to be used. Stem cell is not to be used right now. It is still in the experimental stage. You should not try it. I mean, I'll tell you. I've given you the reasons of not trying. To try it or not, I leave it up to you. But the thing is, like I've given you, this is the pros, this is the cons. Why this is in the experimental stage? Why this is so? ये मैंने आपको आज ये क्लियर करने के लिए ये सेशन जो है लिया है. रेस्ट वट एवर यू वॉन्ट टू डिसाइड डिसाइड यूज योर ब्रेन्स टू गेट इट फॉर दिस. आई थिंक आई हैव क्वेश्चन ऑल द आंसर्स, आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड देयर आर नो मोर क्वेश्चंस नाउ. ओके, थैंक यू. हैव अ वेरी वेरी गुड इवनिंग. स्टे सेफ. And please, before you move for any experimental studies, world में हजारों experimental studies चल रही हैं autism को लेके. हम किस किस बच्चे को किस किस चीज से देंगे, सो जो proven है please वो दीजिए बजाय इसके कि जो है जो अभी unproven है. There are so many things which are proven. Why aren't you trying in for that? There is right now no short answer because we still don't know what the etiopathogenesis is. So whatever is proven, please give your child all those therapy rather than just running out for all the experimental sciences. Yes, these are hopeful experimental sciences, but abhi ata pata kuch nahi hai. We still don't know a lot about them. It is still in the incipient stage. So I hope I have made it a clear message across. Please think upon it. And take a right decision because आज जो आपका decision जो right होगा वो आपके बच्चे के कल के भविष्य के लिए जो है वो important है. So stay safe and have a good evening. Thank you.